जिंदाबाद 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 छत्र एकता जिंदाबाद 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 हरियाणा लोक प्रशासन मुर्दाबाद 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 पुलिस प्रशासन शर्म करो शर्म करो शर्म करो रोडवेज प्रशासन शर्म करो शर्म करो शर्म करो जिंदाबाद सही कहा है कप्तान एकता जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज, आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हम बस स्टैंड पर खड़े हैं, बस स्टैंड रोड पर ही छात्र छात्राओं ने जाम लगा दिया है। बिल्कुल पूरी तरह से दोनों तरफ रोड जाम हो चुका है, पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। आखिर छात्र छात्राओं का कहना है, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। ये रोड जाम क्यों कर रखा है? हमारी बस की प्रॉब्लम है, गांव में एक दो घंटे की सर्विस सुबह सुबह की रुक रही है, अब हमने बस लगवानी इस बात खातर करके। तो कब से है समस्या? अब एक महीना तो हमने यहाँ पर हर रोज आन जान हो गया, हर रोज आन जान। बाकी ये छह महीने तो सही चल रही है, लेकिन कोई कवा कौन था, हम नाजुरे बैठे हैं तो कवा भी है, क्यों बैठे हो? माम इस बस खातर बैठे, मामने बस सही है हमारी। अगर बस की समस्या नहीं तो बैठे रहोगे? माम ने एप्लीकेशन लिखत में दी, माम इन्हें नुकाता हम लिखत में देते हो, कै दिन में लगाओगे? लिखत में कौन देते, माम लिखत में लेके जाओगे? देखिए बस की समस्या को लेकर छात्र छात्राएं रोड पर बैठ चुके हैं, रोड दोनों तरफ से जाम हो चुका है और कई किलोमीटर दूर तक जाम लग चुका है। दोनों तरफ पुलिस मौके पर पहुंची है, देख सकते हैं पूरी तरह से छात्र छात्राओं में पूरी तरह से गुस्सा है और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया जब तक समस्या हल नहीं होगी हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। गुड़िया क्या कहोगे? सर हमारे को बस की प्रॉब्लम है, हमें एक महीना हो गया लगातार यहाँ पर आते हुए, ना तो हमें कोई ये लिखित में दे रहा कि कब से लगाएंगे, ना ही और कहते हैं हमारे पास ड्राइवर नहीं, ये नहीं, वो नहीं, बस नहीं। सरकार तो कह रही है हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे कहने से कुछ नहीं होता। हम लगातार लटक के आ रहे हैं बसों में से, कहीं पर गिर भी जाते हैं तो प्रशासन क्या कर रहा है? कब से हमें एक महीना हो गया यहाँ से आते हुए, हर रोज जाते हैं हमारा, हर रोज पढ़ाई खराब होती है, दो लेक्चर निकल जाते हैं हर रोज ऐसे जाने आने में, और वहाँ यहाँ पर हर रोज आते हैं, एक दिन भी नहीं आते, ऐसा होता यहाँ नहीं आते, फिर भी कोई बात नहीं कर रहे। हर रोज कहते हैं सोमवार को देंगे, सोमवार को देंगे, चार सोमवार निकल गए, अलग से लिखवा दो भी सोमवार आएगा उसी दिन देंगे, लिखित में भी नहीं देते। देखिए पुलिस प्रशासन लोग तो पहुंच चुका है और जाम करवाने के लिए कहा जा रहा है, गलती है, गलती है, सारा स्टाफ लेके साफ बात कर जाए, साफ बार यहाँ रोड से साफ से बात करिए, रोडवेज कर्मचारी में है जो अंदर गए थे उन्होंने मना कर दिया, इसलिए अगले बस नहीं लावा, आप अंदर डीआई से बात करते हैं, आ जाओ करते हैं बात, अंदर डीआई से बात करते हैं, आओ साहब यही आ जाएंगे, साहब के पास अभी गए थे हम, साहब यही आ जाएंगे, अपने स्टूडेंट महाराज जी पास होंगे होंगे मामे भाड़ा ला लगे बूंदिया मान लग रहा, बस क्यों नहीं आन लग रही? एस डी एम दाड़ा जावा है पर छोरे चलो तम तो लिख के देवा तो मारा कोई जवाब नहीं देंगे, मामला सुमन फिर उसका गेट का वो कर दो, उसका बस स्टैंड पे हमारा बूथ इसके सामने, मामा तुम्हारा बूथ के सामने ला हुआ है, और कोई टेंशन नहीं मामा, 11 नंबर बूथ है हमारा, हमारा बूथ का गए, यो गेट कर मामा, यो बंद कर, मुकदमा इतना भारी तरह से हो जाएगा समझ में कर, अरे गेट तो बंद ना करो, तुम्हें पता नहीं फिर हो, गेट तो बंद नहीं करना चाहिए। ये बस स्टैंड का गेट को ताला लगा दिया गया, ये तस्वीर दिखा रहे हैं, भीतर काफी संख्या में यात्री फंस चुके हैं और बाहर छात्र छात्राएं रोड पर हैं, रोड को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। सिर्फ तस्वीर हाँ सर, कैसे लग रहा है आपको आज? कैसे लग रहा है कि ये मान ले बच्चे ने गलत कर रहे हैं, बच्चे गलत कर रहे हैं और जाम लगाना चाहिए, बच्चे बसे नहीं सरकार के पास, जाओ टीम के पास, इशार पहुंचो इशार वाले लगाएं, बस यहाँ वाले थोड़े लगाएंगे, गलत मजाज गेट बंद रखे है। पूरी तस्वीर भीतर की तरफ, बसें भीतर हैं और यात्री भी भीतर फंसे हुए हैं और बाहर दिखा रहे हैं आपको ताला लगा दिया गया है। हाँ सर, हाँ जी बोलिए, क्या कहोगे आप?
बच्चों की जायज भी है मांग बसों के लिए, बहुत गांव से जो भी गाड़ी आती है, गांव के फेरे कम है गाड़ियों के, वो फेरे बढ़ाने चाहिए प्रशासन ने, ताकि अपने अपने स्कूल में अपने गंतव्य पर आराम से और टाइम से पहुंच सकें बच्चे। सिटी SHO मुख्य में पहुंचे भारी पुलिस बल के साथ और गेट खुलवाया गया है। ये तस्वीर देख सकते हैं, सिटी SHO विकास मुख्य पहुंचे हैं, गेट को खुलवाया गया है। ये तस्वीर हरियाणा पोल कोल न्यूज पर आपको दिखाई जा रही है। वार्ता होगी अब छात्रों के साथ, अधिकारियों के साथ। सिटी SHO ने यहाँ पहुँच कर ये गेट खुलवाया, ये तस्वीर देख सकते हैं। ये तस्वीर हरियाणा पोल कोल न्यूज पर आपको दिखाई जा रही है। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम सचिन जैन है और मैं आम आदमी पार्टी से हूँ। सर क्या लग रहा है, छात्र छात्रों ने रोड जाम किया था? यहाँ पर आज जो भी छात्रों ने रोड जाम किया था, उसका वजह बताई जा रही है कि बरवाला की तरफ जो डाटा गुराना होकर के बसें जाती है, उनमें काफ़ी कमी है। जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, उन्हें लटक करके और खड़े होकर के जाना पड़ता है। जहाँ एक तरफ तो सरकार बच्चों को पढ़ाने की, बेटियों को पढ़ाने की और उन्हें बचाने की हिदायत देती है, लेकिन बसों में उनके हालात ऐसे होते हैं कि वो कभी भी गिर करके चोट लग के अपना हालात बदहाल हो सकते हैं। तो इसीलिए इन लोगों ने जाम लगाया था। और हमारी आज आपके माध्यम से सरकार से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा बसें जो हैं हमारे छात्रों को मुहैया करवाई जाए, ताकि इनका जो ये पढ़ने में आरामदारी से स्कूल कॉलेज अपना पहुँच सके।